समाजवादी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 24 विधानसभा में अपने उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया है। इसमें बिलासपुर संभाग से लोरमी और बिल्हा से उम्मीदवार बनाया गया है। शुक्रवार को बिल्हा विधानसभा से धनीराम यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उम्मीदवार यादव ने बिल्हा विधानसभा के विकास कार्यों से उपेक्षा का शिकार बताया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय पार्टी हमेशा पारी पारी से सांठ गांठ करके चुनाव लड़ती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। घर घर दरवाजे दरवाजे गली खोर सभी जगह मुद्दा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में, और हम इसी मुद्दा को लेके समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्हा विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मुद्दा तो वहाँ पे, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ही मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, जगह जगह दारू बिक रहा है, सड़क नहीं है, और तमाम मुद्दे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी है, एक बार तय आ जाए एक बार मैं यहाँ, फिकर मन के एक वो बन गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ मनियारी के पार नेता है, वो पार झंडा उठैया तालपत्र उठैया है,